फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं FirstBite.tv। 7 माह बाद आखिरकार स्कूल कॉलेज खोल दिए गए। कोरोना लॉकडाउन के कारण इन्हें 7 माह पूर्व बंद कर दिया गया था। स्कूल कॉलेज खुलने से संबंधित गाइडलाइन का हालांकि खासा पालन किया गया है, लेकिन अधिकांश पेरेंट्स ने किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से इनकार कर दिया है। यही कारण रहा कि स्कूल कॉलेज खुले जरूर, लेकिन पेरेंट्स के दिल में घबराहट होने के कारण स्टूडेंट्स की उपस्थिति बेहद नगण्य रही। इस कारण ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रखी गई। मेरठ के रामसहाय इंटर कॉलेज में कॉलेज खुलने से पहले वहां हवन व पूजा अर्चना कर इष्ट देव को नमन किया गया। फर्स्ट बाइट की यह रिपोर्ट देखिए, कैसा रहा स्कूल कॉलेज खुलने का पहला दिन, प्रबंधन की तैयारी और स्टूडेंट्स की उपस्थिति। आज हमने सभी बच्चों को प्रार्थना स्थल पर ये बताया है कि COVID-19 के चलते बड़े सावधानी से काम करना है, सभी बच्चों को मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, सैनिटाइज प्रयोग करना है और कभी भी आपस में नहीं मिलना, दूरी रखनी है ज़रूर। दूरी के साथ साथ आज हमने सभी बच्चों को यहाँ ये बताया कि कैसे हमें एक दूसरे की सुरक्षा करनी है। फिर अंत में हम सब ने मिलकर के यहाँ हवन किया है। क्योंकि काफ़ी लंबे समय से COVID-19 चलते हम घर पर रहे, ना पढ़ाई हो पाई है और ना कोई व्यवस्था बन पाई है, आज हवन के माध्यम से माँ सरस्वती का आह्वान किया है कि वे सभी बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखें और सभी को अपना आशीर्वाद देती रहें। मैं असीम कुमार दुबे, प्रिंसिपल दीवान पब्लिक स्कूल मेरठ कैंट। सर, आज स्कूल खुले हैं, किस गाइडलाइन के तहत खुले हैं और कौन कौन सी क्लास के लिए स्कूल खुले हुए हैं? आज खुले हैं पूरा पूरी सरकारी गाइडलाइन और CBSE गाइडलाइन, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और CBSE का गाइडलाइन के तहत हम आज स्कूल खुले हैं। आज हम सिर्फ 10th और 12th को बुलाए हैं, वो भी 50%। आज 50% आएगा और कल 50% आएगा, इट मीन्स इट इज़ ऑड इवन, आधा बच्चा आज आधा बच्चा कल, 3 दिन आधा बच्चा आएंगे और अगली जो आधा रह जाएगा वो अगली 3 दिन आएगा। मंडे, वेनसडे, फ्राइडे एक ग्रुप आएगा और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे अनदर ग्रुप। सर, किस तरह से एंट्री मिली है, क्या क्या गाइडलाइनों का पालन हुआ है? हमने 2 एंट्री रखी है, एक रखा है 12th वाले के लिए, एक रखा है 10th वाले के लिए। जब मेन बिल्डिंग में जाते हैं वहाँ बॉयज़ की अलग एंट्री है, गर्ल्स की अलग एंट्री है। और जब आए गेट में हमने उनको पहले सैनिटाइज किया गया हाथ उनकी, फिर मास्क है कि नहीं चेक किया गया, जो कंसेंट लेटर दिया गया वो कंसेंट लेटर लाए हैं कि नहीं, पूरा यूनिफॉर्म में है कि नहीं, मास्क पहना हुआ कि नहीं, सैनिटाइजर साथ में लाए हैं कि नहीं, हमने ये सब चीज़ गेट में चेक किया और उसी के हिसाब से हमने क्लास में उनको बैठने का अनुमति दी। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए FirstBite.tv। नमस्कार।